हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए मैं फिर मज़ेदार वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में यूट्यूब में थंबनेल कैसे लगा सकते हैं और वो थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी कैपकट ऐप की मदद से, वो सीखने जा रहे हैं। लोग अपने कैपकट ऐप ओपन कीजिए, फिर हम लोग जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद सिंपली लाइब्रेरी में जाने के बाद आप इधर नीचे देख सकते हैं ये ब्लू पर्पल टाइप से कलर है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। फिर आप साइड स्क्रॉल करके एक्सेप्ट रेशियो में जाइए, फिर आप 4:3 पे क्लिक करके इसको ऐसे रोटेट कर लीजिए 90 डिग्री, और इसको फुल साइज पे सिंपली रख लीजिए, ठीक है। फिर हम इसे पार्ट को डिलीट कर लेंगे, और आपको कितना बनाना है आप उतना ड्यूरेशन बना सकते हैं। मैं इतना 3 सेकेंड का ही बनाऊँगा, तो मैं इतना ड्यूरेशन रखता हूँ, ठीक। तो सिंपली आप लोगों को इतना कर लेने के बाद क्या करना है, तो प्लस के आइकन में क्लिक कीजिए, फ़ोटोज़ पे जाइए, और ये फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो अभी जैसे कैपकट में प्रो मोड आया हुआ है, तो मैंने ये बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं मैंने वो शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया है। आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देख सकते हैं कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते। पहले कैपकट से हम कर सकते थे, लेकिन अभी कैपकट में क्या हो गया, प्रो मोड आ गया। तो सिंपली हम इसे फ़ोटो को क्लिक करके साइड स्क्रॉल करके आप लोगों को इसको ओवरले में लेकर जाना है, ठीक है। सिंपली ओवरले में लेकर जाने के बाद नीचे से फ़ोटो तक, लास्ट तक का फ़ोटो आप लोग बराबर में रख लेना, और इस फ़ोटो को हम थोड़ा सा इधर साइड पर रखेंगे। तो अब क्या करना है, सिंपली आप लोगों को कैपकट, अगर आप लोग अपना वीडियो कैपकट से एडिट करते हैं तो आप लोग कैपकट का भी लोगो रख सकते हैं, और कोई सी भी दूसरे ऐप, जो ऐप से आप लोग एडिट करते हैं और कुछ भी कॉन्टेंट बनाना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए फिर क्या करना है, बैगन है, फिर आप लोगों को एड ओवरले में जाना है। और मैंने इधर कैपकट का ये PNG निकाल कर रखा है, ये आप लोग अपने क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको भी हम लोग इधर बराबर में लेकर जाएंगे, और इसको क्लिक करेंगे और इसका साइड छोटा कर लेंगे, ठीक है। इसको इधर तक ऐसे रख लेते, और इस प्लेस पे जाकर आप लोग कुछ भी कर सकते, डार्किंग करना है ऐसे लोगो रखना है, लाइटिंग में रखना है तो लाइटिंग में, फिल्टर में, जिस पर आपको मन लगे उस पर लग जाए। मैं नॉर्मल में ही रख लेता हूँ, आप लोग वैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली अब क्या करना है, अब लिखना है, अब इस पर टेक्स्ट एडिट कर देना है हम लोगों को। सिंपली अब हम लोग टेक्स्ट एडिट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को लिखना है, आप लोग कैपकट लिख सकते हैं, आपको जिस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बना सकते हैं वो लिखते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी में लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को और दूसरे कोई भी चीज़ में है तो वो लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं इधर लिख देता हूँ कैपकट, और आप लोग इधर फॉन्ट्स में क्लिक करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे फॉन्ट्स ज़्यादा मिल से ज़्यादा मिल जाएगा, मैं रूबिक रख देता हूँ। फिर हम स्टाइल में जाएंगे, ये भी रख सकते हैं। तो आपको बैकग्राउंड में भी ब्लैक बैकग्राउंड कोई से भी रखने, तो बैकग्राउंड में जाइए, ABC में जाइए, और आप लोग कलर चूज कर सकते हैं, एक से एक कलर आप लोगों को कोई से मिल जाएगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो रख लेना। मैं ये ब्लैक रख लेता हूँ, तो इसको थोड़ा साइज छोटा कर देते, कैपकट मैं इधर रख देता हूँ। फिर हम लोग जाएंगे, फिर फॉन्ट्स में जाएंगे, और ये हम लोगों के ये कैपकट हटा देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को सिंपली रख लेना है, तो मैं आप लोगों को किसी करूँ, तो मैं आप लोग सब लिख कर दिखा देता आपको, जैसे कैपकट, फिर नीचे वीडियो एडिटिंग, और फिर ऐसे स्लाइस देकर TUTORIAL ट्यूटोरियल। आप लोग ऐसे सिंगल पार्ट्स में भी रख सकते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा नहीं रखना है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रखना है, वो भी मैं आप लोगों को वो भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रखने का, जैसे पहले आप लोग इसे कैपकट लिख लिया, फिर राइट क्लिक कीजिए, फिर एड पे जाइए, फिर हम लोग क्लिक करेंगे वीडियो एडिटिंग, ओके। इसको भी सिंपली इसको यहाँ ऊपर रख कर एडजस्ट करके इसको इधर आप लोग नीचे रख सकते हैं, अगर इधर तक भी रख सकते हैं कैपकट वीडियो एडिटिंग, और उसके बाद उसके फिर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिर टेक्स्ट में जाइए, फिर TUTOR ट्यूटोरियल लिख लीजिए और नीचे रख दीजिए, ठीक है। सिंपली आप लोग कोई सा भी कलर रखकर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और हम अब मैं इसका आपको दिखाऊंगा फाइनल लुक।